तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हां तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट एरा मैप के कुछ ऐसे सीक्रेट और हिडन प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसका यूज करके मैंने भी अपने आईडी में यहां देखो 45 स्टार इतनी इजीली लगा लिए हैं। और मुझे पता है कि रैंक सीजन चेंज होने के बाद आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही होगी, आप काफी सारे मैचेस को हार रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो में आप लोग हिडन प्लेसेस का यूज करते हो तो आप लोगों का भी मास्टर काफी जल्दी मेरी तरह ही लग जाएगा। वेल चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। हाँ तो नंबर वन पे आता है हमारी नेक्स्ट एरा मैप का फार्म टोपिया वाला प्लेस। और इस वाले प्लेस में हिडन प्लेस को करने के लिए आप लोगों को दो दो ग्लू वॉल का यूज करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग अपने फ्रेंड की हेल्प लोगे तो इस वाली ट्रिक को बहुत इजीली कर पाओगे। हाँ तो फिर मैच को स्टार्ट होते ही आप लोगों को अपने फ्रेंड के साथ सीधा इस वाले गोल वाले गुंबज के पास आ जाना है। और आपको पहला ग्लू वॉल नीचे लगाना है, दूसरा ग्लू वॉल उसके ऊपर, एंड अपने फ्रेंड को नीचे बैठने को बोलना है। उसका यूज करके आप लोग बहुत इजीली ग्लू वॉल का यूज करके ऊपर आ जाओगे। और गाइस देखो इस वाले प्लेस पे आ जाने के बाद मैंने थोड़ी देर होल्ड किया था, बट यहाँ पर मैंने दो दो प्लेयर डाउन हो चुके थे। और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो मैं राइट साइड जाके एक ग्लू वॉल लगाता हूँ एंड अपना नेट कुकर के ऊपर फेंक देता हूँ। और गाइस देखो मुझे ये पता था कि ऊपर बंद है, पर ये नहीं पता था कि ऊपर दो दो बंद है। दो बंदे का सोनिया जलता है, इजीली वो दोनों डाउन हो जाते हैं। और अब सिर्फ सामने वाले का लास्ट हैंड में ही बचा है, जिसको मैं इजीली मार के ये वाला राउंड भी निकाल सकता हूँ, बट देखना यह है कि मैं उसे मार पाऊंगा या फिर नहीं। और मैं थोड़ी देर जोन आने का वेट करता हूँ कि जोन आते ही वो वाला बंदा ऊपर से नीचे जंप करेगा, एंड सही होता है, वो ऊपर से नीचे जंप करता है, क्रोनो जलाता है, बट मैं यहाँ पर ओरियन बनने के बाद उसको इजीली डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। और ये वाला राउंड तो हमारा जैसे तैसे करके बुरा निकल गया, बट नेक्स्ट वाली ट्रिक तो और भी मजेदार बताने वाला हूँ। ओके तो सेकंड नंबर पे आता है हमारी नेक्स्ट एरा मैप का ग्रैब लैप्स वाला प्लेस। हाँ तो गाइस इस वाले प्लेस में सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए अगर आप लोग को इस वाला साइड मिलता है तो आप लोग को मैच स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना है। और देखो इस वाले साइड आ जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा टीममेट एक एनिमी को मार देता है, बट आप लोग को इधर ऊपर चढ़ना है एंड सिर्फ एक ही ग्लू वॉल का यूज करना पड़ेगा। अब देखो अपने थोड़े ही आगे एक ग्लू वॉल लगा देने के बाद ग्लू वॉल का यूज करके आप लोग इस वाले सैटर्न के रिंग पे आ जाओगे। और फिर इस वाले रिंग का यूज करके आप लोग यहाँ से जंप करके सैटर्न के ऊपर ही आ जाओगे, एंड इस वाले सैटर्न का यूज करके आप लोग सामने वाले जितने भी बंदे हैं बहुत इजीली देख पाओगे एंड उन्हें बहुत इजीली मार भी पाओगे। हाँ तो ऊपर आते ही मैंने एक एनिमी को तो बहुत इजीली मार दिया, बट सामने वाले एनिमी मेरे टीममेट से फाइट कर रहा था, जिन्होंने एक बंदे को डाउन भी कर दिया था, बट मेरा टीममेट उसको डाउन कर देता है। और मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि लास्ट वाले एनिमी को मेरा कौन सा टीममेट मारता है, बट हाँ बहुत इजीली हमारा विक्ट्री हो जाता है। ओके गाइस तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का म्यूजियम वाला प्लेस। और इस वाले प्लेस में जो सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा आसान एंड बहुत ही इजी होने वाला है। हाँ तो इस वाले प्लेस में सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को दो दो ग्लू वॉल का यूज करना पड़ेगा, हाँ लेकिन फ्रेंड का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। हाँ तो पहले तो मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग को इधर लेफ्ट वाली सीढ़ी पर चढ़ जाना है एंड जाकर देख लेना है कि कोई बंदा नीचे से रस तो नहीं कर रहा है। और फिर इस वाली सीढ़ी के पास आके आप लोगों को पहला ग्लू वॉल लगाना है एंड दूसरा ग्लू वॉल इसके लेफ्ट साइड थोड़ा ऊपर। और फिर दोनों ग्लू वॉल को अच्छी तरीके से लगा लेने के बाद सीढ़ी का यूज करके ग्लू वॉल का यूज करके आप लोग इसके ऊपर आ जाओगे। और गाइस ऊपर आते ही मैंने एक बंदे को हेडशॉट मार के डाउन कर दिया एंड इसको फुल फिनिश भी कर लेते हैं, मतलब यार ट्रिक बनाया भी नहीं एंड सक्सेसफुली वर्क भी कर गया। और यार पता ही नहीं चला इतनी जल्दी मैंने ट्रिक किया, एक बंदे को डाउन किया एंड सामने के दो बंदे को मेरे टीममेट्स ने मारा एंड अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिसको मेरे टीममेट्स मारते हैं एंड बहुत इजीली हमारा विक्ट्री हो जाता है। हां तो गाइस अब आता है इस वीडियो का सबसे मजेदार वाला पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा लिखे गए मजेदार एंड जहरीले कमेंट्स का आंसर ही करूंगा, वो भी अभी के अभी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैं वीडियो के एंड में करता हूँ, बीच में क्यों कर रहा हूँ, तो आधा कमेंट बीच में एंड आधा लास्ट में। और ये देखो दोनों बंदे ने सेम कमेंट किया है, फर्स्ट व्यू एंड कमेंट। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको थैंक यू बोलूं एंड फुल सपोर्ट बोलूं। वेल दोनों को थैंक यू एंड आप लोग बताओ कि कौन पहले कमेंट किया था। और देखो ये भाई ने कमेंट किया है, आपका आवाज बहुत क्यूट है, लव यू मैनर भाई, अरे लव यू टू ब्रो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और ये देखो अंकुश भाई ने क्या कमेंट किया है, भाई आप वीडियो कमेंट कॉमेडी फुल करते हो, अरे थैंक यू अंकुश भाई, एंड आपको पता है मैं पहले कॉमेडी वीडियो ही बनाता था बट यार सपोर्ट नहीं मिला, बट कोई बात नहीं आप लोग इस पे सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू। और यार देखो अभी मैं आप लोग को बोल रहा था थैंक यू, और इधर हसन भाई ने भी कमेंट किया है थैंक यू मैनर भाई, अरे वेलकम ब्रदर। और ये देखो एमपी गेमर ने क्या कमेंट किया है, कृष्णा भाई और तुम साथ में वीडियो बनाते हो, अरे हाँ ब्रो हम दोनों फ्रेंड हैं साथ में भी वीडियो बना लेते हैं। और ये देखो नैनो अनु भाई ने क्या कमेंट किया है, मैं आपकी गिल्ड में आना चाहता हूँ, तो ब्रो मैं इस वाले डिस्क्रिप्शन और लिंक या फिर कमेंट में आपको यूआईडी पिन कर दूंगा, आप रिक्वेस्ट भेज दो। और गाइस अभी आपकी रैंक मैटर नहीं करती है, यानी बिना रैंक देखे मैं आप लोगों को गिल्ड में तो ऐड कर लूंगा, बट हाँ सीजन एंड होते होते आप लोगों का सीएस रैंक में हीरोइक लग जाना चाहिए। और गाइस क्योंकि गिल्ड को गिल्ड का ऑफिसर संभालता है तो हो सकता है आपके कम रैंक को देखकर वो आपको गिल्ड से भी निकाल दे, तो यार प्लीज सीएस रैंक में हीरोइक कर लेना। हाँ तो आई होप आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे एंड हाँ सीएस रैंक में हीरोइक भी कर लोगे, बट यार वीडियो के अभी तक यहाँ पर बने हो तो यार छोटे से वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मतलब मेरे चैनल पर नए आए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को और पे सिलेक्ट कर लेना। अरे रुको अभी तो आपको 3 हिडन प्लेसेस बताना और भी बाकी है, साथ में आपको रस स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हिडन प्लेसेस की ओर। हां तो गाइस
फोर्थ नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का ये वाला रश टाउन प्लेस एंड इस रश टाउन वाले प्लेस में जो मैं आपको बताऊंगा ना वो भी काफी लाजवाब होने वाला है क्योंकि इसका यूज करके मैंने अपने M500 से किल भी किया एंड लास्ट वाला मैच भी विन करा दिया। हाँ तो इधर मैच को स्टार्ट होता है आप लोग को राइट साइड आना है, थोड़ा देख लेना अगर सामने वाले बंदे के पास लॉन्ग रेंज की गन हुई तो वो आपको मारेंगे। वैसे तो आप लोग इस वाली ट्रिक को फर्स्ट राउंड में करना जिससे कि उनके पास M500 या फिर ग्रेनेड या फिर G18 ही होगा। और देखो इस वाले प्लेस पे आ जाने के बाद मैं देखता हूँ कि सामने वाला एक बंदा ऊपर की साइड जा रहा था बट अपने दोनों तीनों बंदे तो नीचे आ गए तो ऊपर जाने से क्या फायदा, तो वो लोग भी इधर राइट साइड आते हैं एंड मैं एक बंदे को बहुत ही मारने का ट्राई करता हूँ बट उसको हेडशॉट लग ही नहीं रहा था और सामने की साइड में एनिमीज को डैमेज देने का ट्राई कर ही रहा था बट मेरे को पता चलता है कि मेरे ऊपर कोई एनिमी रस कर रहा है एंड मैं देखता हूँ तो वो सीढ़ी से ऊपर आ रहा था जिसको मैं इजिली वन टैप दे देता हूँ। और देखो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही वन टैप मारा है बट सामने सिर्फ एक ही बंदा बचा है एंड अपना एक टीममेट जो कि उसके ऊपर रस करता है जो कि क्रिस्टा भाई है एंड रस करते ही वो डाउन हो जाते हैं और उसके डाउन होने के बाद अब मुझे किसी भी तरीके से ये वाला मैच को निकालना था वरना अगर हम लोग फर्स्ट राउंड को हारते हैं तो हमें सेकंड राउंड में कम पैसे मिलेंगे एंड चांस बनता है कि हम लोग सेकंड राउंड को भी हार जाएं। और जैसा कि मैंने मैच के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे यहाँ पर वन टैप नहीं लग रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो गन को बदल लेते हैं क्योंकि अगर वन टैप मिस हो गया तो कृष्णा भाई अलग ही चिल्लाएंगे एंड हम मैच भी हार जाएंगे। और फिर गन को चेंज करके मैं नीचे जंप करता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि आगे जाके कवर लेके चेक करूंगा कि वो बंदा कहाँ है बट अचानक से उसका काफी ज्यादा डैमेज मेरे को लग जाता है। मैं इधर ओरियन बन के कवर लेता हूँ एंड वो बंदा मुझे वो मारने का ट्राई करते ही जाता है एंड यहाँ पर सोनिया ऑन हो जाता है और क्योंकि मैंने अपना गन यहाँ पर चेंज कर लिया था तो सोनिया बनने के बाद भी मैं इसको बॉडी बॉडी मार के ये वाला राउंड को इजिली निकाल लेता हूँ तो कोई गुस्सा भी नहीं होता एंड मैच भी जीत चुके हैं मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा एंड सेकंड राउंड भी जीतेंगे। और गाइस इस बार फिर से फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का रश टाउन वाला प्लेस बट इस बार आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक हिडन प्लेसेस ही बताने वाला हूँ। हाँ तो बस कुछ नहीं, आप लोग को अगर रश टाउन के इस वाले साइड मिलता है तो मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग को इधर राइट साइड आना है। और देखो इस वाली ट्रिक का यूज करने में आपको एक ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा तब बढ़िया तरीके से कर पाओगे, तो एक ग्लोबल को लेकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना एंड फटाफट से इस चीज को करना, काफी सारे बंदे इधर से रश भी करते हैं। और देखो अगर आप लोग कोई ट्रिक या हिडन प्लेस कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप लोगों को पहले बंदे को ध्यान देना है, अगर आप ही मर गए तो ट्रिक कौन करेगा। और देखो बहुत इजीली इस वाले प्लेस पे आ जाने के बाद मैं यहाँ पर खटाना चलाते चलाते यहाँ ग्लोबल के ऊपर जंप कर जाता हूँ एंड पता नहीं एक बार करते ही मैं नीचे गिर जाता हूँ। हाँ तो यहाँ पर एनिमीज नहीं थे तो मेरा फिर से ट्राई करना तो बनता था, मैं फिर से गया एंड फिर से ट्राई करता हूँ बट इस बार मैं सेटिक एंड ग्लोबल के ऊपर ही आ जाता हूँ और यहाँ आने के बाद सामने बंदे फायर कर रहे थे तो मैं थोड़ी देर ही क्या वेट करता हूँ, नीचे से एक बंदा दौड़ा मेरी तरफ आ रहा था एंड वो मेरे को नोटिस भी नहीं कर पाया, मतलब समझ में नहीं आया यार ऊपर नहीं दिख रहा था उसको क्या, और पता नहीं क्यों सामने वाला बंदा बहुत ही आसानी से मेरे से मर गया एंड सामने वाले एनिमीज के सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं तो हम लोग इस मैच को तो इजीली जीत जाएंगे। बट चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेन प्लेसेस की ओर। हाँ तो गाइस सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारे नेक्स्ट एरा मैप का डेका स्क्वायर वाला प्लेस और इस वाले प्लेस में भी मैं आप लोग को एक रश स्ट्रेटजी बताऊंगा क्योंकि इस तरफ से अंदर आ जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि सामने वाला एक बंदा तो डाउन है एंड मैं उसको फुल फिनिश भी कर देता हूँ बट यहाँ पर दो तीन के राउंड के साथ 3v3 का राउंड था, मतलब हमारा एक भी टीममेट डाउन होता है तो वो लोग रश करके इस वाले मैच को बहुत ही इजीली निकाल लेंगे एंड अचानक से हमारा एक टीममेट डाउन भी हो जाता है और यहाँ पर कवर में रख के मैं स्कोप खोल के मारने का ट्राई करता हूँ बट यहाँ पर एम नहीं मिल रहा था एंड नीचे दोनों बंदे कूद जाते हैं मेरे ग्रेनेड करते ही वो दोनों भी डाउन हो जाते हैं और दूसरा फ्लैश बैंग फेंकते ही तीनों बंदे को डैमेज आता है एंड जब एक बंदा भाग रहा था तो मैं नीचे जंप करता हूँ एंड AWM से मारता हूँ तो उसको 159 का डैमेज पड़ता है, मतलब सिर्फ वो 1-2 HP का ही बचा हुआ है और इतना डैमेज देखने के बाद मैं तो उसके ऊपर फुल रश करता हूँ। आगे जाकर मैं उसके सामने ओरियन भी बनता हूँ, उसका HP भी चूसता हूँ बट वो ग्लोबल पैक कर लेता है एंड मैं ग्लोबल तोड़ने का फुल ट्राई करता हूँ एंड जैसे ही वो निकलता है मेरा HP क्या वो मेरा सोनिया ही जला देता है बट मेरे बॉडी शॉट के सामने कोई टिक सकता है क्या, तो ये वाला मैच भी मैं बहुत ही इजीली विक्ट्री कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस सेवंथ नंबर पे आता है नेक्स्ट एरा मैप का रश टाउन वाला प्लेस एंड इस बार आपको नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बताऊंगा कि कैसे रश करना है। यहाँ से एक नेड फेंकना एंड नेड फेंकने के बाद यहाँ देखो डैमेज भी आता है एंड मेरा फ्रेंड भी फेंका था तो मैं यहाँ पर फुल रश कर देता हूँ एंड आगे जाते टाइम मुझे राइट साइड आपको जंप करना है। और देखो जब मैं इस वाले प्लेस पे आ जाता हूँ तो सारे बंदे सामने वाले मेरे टीममेट्स को मार रहे थे, मुझे तो कोई मार ही नहीं रहा था तो मैं एक बंदे को बहुत इजीली डाउन कर देता हूँ एंड नीचे वाला प्लेयर नीचे जंप करता है तो मैं यहाँ पर AWM से जूम करके उसको फर्स्ट शॉट मारता हूँ एंड दूसरा शॉट में तो वो डाउन ही हो जाता है एंड मैं यहाँ पर ओरियन बन के ऊपर वाले एनिमी को भी डाउन कर देता हूँ और अब सामने वाले एनिमी का सिर्फ एक ही टीममेट बचा था जिसको मैं 3 बॉडी मार के सोनिया ऑन करके यहाँ पर ओरियन बनता हूँ एंड बहुत इजीली मैं एस मार देता हूँ। आज के लिए इतना ही एंड वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और गाइस मैंने जिन भाई लोग का कमेंट नहीं पिक किया है डोंट वरी यार अगली वीडियो में कर लूंगा। हाँ तो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी एंड अच्छा लगा है तो थोड़ा सा भी एक लाइक कर देना और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो मतलब मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।